वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सत्संग जी। जिमें गुरु रामदास जी दे बाबा दीप सिंह जी दे सारे संगत रूपी परिवारक मैंबरां नूं पता है कि 7 जून तो 16 जुलाई तक 40 दिन का अमृत वेले का समागम दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीर्थ रोड बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट श्री अमृतसर साहब विखे प्रारंभ हो चुका है। मेरी सारे परिवारक मैंबरां दे चरणों च सनिमर बेनती है प्यारे, जिन्हां जिन्हां ने अजे तक हाजरियां भरनिया नहीं शुरू कीतियां आके परिवारां समेत हाजरियां लाओ। मैं जिवें पहले कहा सी, भावें अमृतसर साहब किराए ते मकान लै लो, भावें रिश्तेदारां दे घर आ जाओ, पर यह 40 दिन का नेम सारिया ने भुगतावना ही भुगतावना है। मैं गुरु पिता जी की गोदी च बैठा बेनती कर रहा, एक कुछ दिन ही अजे होए ने अमृत वेला प्रारंभ होया नूं, और संगतां मैनूं मिल रही जिन्हां ने हाजरियां भरिया कि गुरु रामदास जी ने बख्शिश का खाता खोलिया, साडा आ कारज सिरे लाता, साडा आ कम सवार दिता। आओ भागां वालिओ, अमृत वेले हाजरी भरन दे विच कोई भी जो आलस ना करे। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने जंग दे मैदान दे विच भी अमृत वेले दा नेम नहीं छड्डिया। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी अज निमाणिया दे मान, नितानिया दे तां, न्योटियां दी ओट, न्यासरिया दे आसरे गुरु अमरदास बने ने। सदके 12 साल अमृत वेले गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह जी नूं इशनान कराउण दा सदका, नेम करन दा सदका। आओ गुरु पिता दीआं खुशियां लैण दा वेला है, और जिहड़ियां संगतां दूर दरेडे तों आउण वालियां ने तरन तारण साहिब जां उधरले इलाकियां तों, पिंडां तों जां अमृतसर शहर तों आउण वालियां संगतां ने, उहनां दे लई रोजाना अमृत वेले 2 बजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहिब, और बाबा दीप सिंह जी का जो गुरद्वारा साहिब चाटीविंड चौंक तों भी रोजाना अमृत वेले 2 बजे बसां दा गड्डियां दा प्रबंध कीता गया, जिहड़ियां गड्डियां राम तीर्थ रोड विखे संगत नूं लै भी आउणगियां और वापसी छड्ड भी देणगियां। इह हलूणा हरेक नूं दे दिओ, इह मेरी बेनती है प्यारिओ। आओ पुठे कर्म सिद्धे करवाउण दा वेला है, गुरु पिता दीआं खुशियां लैण दा वेला है। सारी संगत आलस दा त्याग करके अमृत वेले नूं संभालो, और अमृत वेले उठण दे विच भावें कोई कीर्तनी है, भावें कोई महापुरख है, भावें कोई कीर्तनी दा प्यो ही क्यों ना होवे, किसी नूं भी माफ़ी नहीं। ये मेरी बेनती है, परिवारों समेत हाजरियां भरो, और प्रतख गुरु रामदास कोलों बाबा दीप सिंह कोलों दातां लुट के लै जाओ। ये सारा प्रोग्राम रोजाना ही साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते लाइव दिखाया जा रहा है। इस मैसेज नूं वध तों वध शेयर करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, सारी संगत प्यार न रखो ने जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा, बाबा दीप सिंह साहिब जी दा संगत रूपी परिवार गुरुद्वारा 6वीं पातशाही CMC चौंक लुधियाणा विखे एकत्रित होया और हो रहा है। सारे परिवारक मैंबरां नूं अज दी परिवारक मीटिंग दे विच मैं जी आया आखदा, रोजाना दी तरह भावना बना के बैठो। इधर गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश है, जिथे एड्डी तगड़ी भावना बना लो कि हाजर नाजर गुरु रामदास जी बैठे हुए ने, ते जिथे गुरु रामदास जी बैठे होण, बाबा खंडे वाला बाबा दीप सिंह जी उन्हां दे चरणों च बैठे होंदे ने। बहुत वड्डा दिन है अज, 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब साईं दा आगमन दिन, ते सारियां संगतां ने आओ पिता जी दी खुशी लैण वास्ते कीर्तन दी प्रारंभता वाहिगुरु गुरु मंत्र दे जाप दे विच जुड़ के करनी। कोई रसना वांझी ना रहे, सारी संगत प्यार च हाजरियां लाए। जिथे वेखो दूरों दूरों संगतां चल के आ रही हैं। मैं स्टेज दे कोल 2 मिंट लई खड़ा, साने वाल तो संगतां जो आईयां भज के मिलियां जी, असीं तुहाडे परिवारक मैंबर हां। खन्ने तो संगत आई, वह मिले मैनूं इत्थे 2 मिंट लई जदों मैं स्टेज ते चढ़ रहा सां जी, असीं तुहाडे परिवारक मैंबर हां। मैनूं इन्नी खुशी हुंदी है कि सतगुरु शुकर है, ये जुड़न वालियां दा ते जोड़न वालियां दा परिवार वध रहा है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। यूट्यूब दे माध्यम राही बेअंत संगतां घरां च जुड़ियां ने भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल दे नाल, वध तों वध इस चैनल नूं सबसक्राइब भी करियो, ते लिंक अगे तों अगे शेयर कर दिओ तां जो होर संगत जुड़ सके।
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੋ, ਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤਨ तेरा, तू मेरा।
सिंह जी मैं तेरा
प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। बहुत वड्डा दिन अज गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब तना दा पावन पवित्र आगमन दिन और बाबा नम सिंह साहिब दे बचन ने केंद्र जिस दिन सतगुरां दे प्रकाश दा दिन होवे ना आगमन दा दिन होवे एडा वड्डा दिन हुंदा है जे इस दिन कोई पशु पंछी परिंदा भी चढ़ाई कर जावे ना वो भी नरकां नूं नहीं जांदा अज दे दिन दरगाह दे बूहे खुले हुंदे ने बोले सो पूरी श्रद्धा पूरी भावना दे नाल बहना बहुत संगतां पिछे बैठियां हो सकदा कईआं नूं गुरु पिता जी दे दर्शन ना हो पा रहे होण पर भावना बनायो गुरु साहिब सानू वेख रहे ने आखो वाहिगुरु जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल आखणे जी धन बाबा जिहड़ी असीं जरूरी गल करदे आ जरूरी बेनतियां शब्द पढ़न तो पहला करदे आ अज एक बड़ी जरूरी बेनती करके फिर मैं शब्द पढ़ांगा हुण ध्यान नाल सुणियो एक बारी पुछना चढ़दी कला च ओ बेनती ध्यान नाल सुणियो कंप्यूटर दे विच असी जो फाइलां तुसी जमा कीतियां होण असी जमा कीतियां होण जो फाइलां उहदे विच अपलोड कीतियां होण सुणियो मनीटर दे विच भी ओहो ही फाइलां सानू नजर आउंदियां ने जिहड़ी कंप्यूटर दे विच चीज असी पा दित्ती है डाटा अपलोड कर दित्ता है मनीटर दे विच भी ओहो ही डाटा नजर आएगा दूजा नहीं आएगा जे तुहाडे कंप्यूटर दे विच चंगीआं चीजां ने मनीटर दे उत्ते भी चंगीआं नजर आउणगीआं ते जे मनीटर दे उत्ते गलत चीजां नजर आ रहीआं ने खराब फाइलां खुल रहीआं ने इहदा मतलब कंप्यूटर दे विच भी तुसी गलत चीजां अपलोड कीतियां होईआं ने आखो वाहिगुरु जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास ते मनीटर दे विच जदों कोई गलत फाइलां खुलणीआं शुरू हो जाण ना सुणियो ध्यान नाल जदों मनीटर दे विच कोई गलत फाइलां खुलणीआं शुरू हो जाण ते इहदे विच दूजिआं दे उत्ते दोष ना देवो अपने आप दा दोष मन्नो कि जो मैं कंप्यूटर दे विच अपलोड कीता सी मनीटर विच भी नजर मैनू ओहो ही आ रहा है जे हुण मनीटर दे उत्ते ओ स्क्रीन दे उत्ते कोई गलत फाइल खुल गई इहदा मतलब कंप्यूटर दे विच भी तूं गलत चीज नू अपलोड कीता सी तां करके मनीटर दे उत्ते ओ चीज विखाई दित्ती है इसे तरह प्यारिओ दिन भर दे विच जिन्नियां भी घटनावां वापरदियां ने ना उन्हां घटनावां दे खोण ते जे तुहाडे अंदरों सेवा निम्रता दया दान पर उपकार ए गुण प्रगट हुंदे ने ना ते इहदा मतलब ए है कि असी अपने अंदर ए गुण फीड कीते होए ने भरे होए ने जे साडे अंदरों दिन दीआं घटनावां दे विच जो दिन दे विच वापर रहा ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਾਂ ਜਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਇਆ ਨਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੋਖ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਿਕਲੇ ਨੇ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਈਰਖਾ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਲਨ ਅਭਿਮਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਈਰਖਾ ਜਲਨ ਅਭਿਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕ੍ਰੋਧ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੌਸ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇਂਦਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਓ ਪਤਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਏਗਾ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਬੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕ੍ਰੋਧ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਇਆ ਦਾਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਇਹ ਗੁਣ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸੰਗਤ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਈ ਨੂੰ ਕਵੋ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਆ ਔਗਣਿਆਰਾ ਵਾਂ ਗੁਣਾਗਾਰ ਆ ਰੋਮ ਰੋਮ ਭੁੰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਚੰਗਾ ਵਾਂ ਮੰਦਾ ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਣਾਗਾਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਣਾਗਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ ਔਗਣਿਆਰਾ ਵਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ ਬੁਰੇ ਆ ਭਲੇ ਆ ਚੰਗੇ ਆ ਮੰਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਗੇ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਬੁਰਾ ਵਾ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਔਗਣਿਆਰਾ ਤੇਰਾ ਪੁੰਨਾ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਕਥਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰਾ ਹੈਂਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਯਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬਸ ਓਦਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਓਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਕਥਾ ਕਰਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਓਦਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਓਦਾਂ ਕਰ ਲੈ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਏ ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਤੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ
मैनू दूजे की लोड़ कोई नहीं, मैं पानी तेरा चुके हैं। बस जेहो जिहा भी तू मैनू स्वीकार करवाना चाहना है ना अपने चरणों में, जेड़े भी रूप में करवाना चाहना है, बस ओह ही रूप मेरा बना दे। आखो धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, सतु श्री अकाल। ये मेरी बेनती है प्यारे, ओ अपने अंदरों औगणा नूं कढ़ण दा ए तरीका, एक ते गुण भरो, गुण संगत विच आके मिलणगे, ते दूजा अपने आप नूं सरेंडर कर दिओ। सरेंडर, बापा तेरा वा, तेरा, तेथों बिना दूजा है ही कख नहीं मेरा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह, धन बाबा दीप सिंह जी। ते ए मेरी बेनती है, जदों ए दो ढंग अपना लोगे ना, एक संगत विच आके गुण ग्रहण करी जाओगे, ते दूसरा अपने आप नूं गुरु हरगोबिंद साहिब, गुरु रामदास बाबा दीप सिंह अगे सरेंडर कर दोगे ना, ते फिर प्यारिओ सारा जीवन असी दुखां तों बच के शांति पूर्वक बतीत करांगे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। बाबा मैं ते तेरा बन गया, मैं ते तक आ गया तेरा, जिथे मैं खलो जांदा लोकी कहिंदे ते गुरु रामदास दा है, इह ते बाबा दीप सिंह दा है। बाबा फिर जे लोकी मैनू ये चीज कहन लग पए ने, मैनू भी एदां दी फीलिंग आउंदी है, ते फिर तू भी मेरे ते कृपा करना, मैनू एदां ही स्वीकार कर लै। औगणा नाल भरिया पिया तां भी तेरा गुणवान, मैं तां भी तेरा, गड्डी ते सफर करदा तां भी तेरा, किसे नाल गल्लां बातां हासा खेडा करदा तां भी मैं तेरा, तेरा मैं नेम करदा तां भी मैं तेरा, ते जे मैं बच्चियां नाल गल्लां बातां करदा तां भी मैं तेरा ही हां, तेरा। बस बस अज पातशाह साईं दे कोलों आ अरदास करके जायो, बस गुरु हरगोबिंद साहिब मैनूं स्वीकार कर लो, मैनूं अपना बना लो। चंगीआं मंदीआं बुरीआं भलीआं ए जीव स्त्री तेरी ए बम्मा तेरी कृपा कर। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह। आप सबरो परिवार सवारो समाज आपे ही सवर जाएगा, प्यार नाल ते गज के एक बारी फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंचम पातशाह जी का उच्चारण किया शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी के 396 नंबर अंग दे उत्ते दर्ज, जम्मिया पूत भगत गोविंद का। अज गुरु हरगोबिंद पातशाह साईं दा आगमन दिन ते सारे खुशियां दे विच शब्द पढ़ियो, कोई रसना मंजी ना रहे, सारी संगत हाजरी लायो जी। जम्मिया पूत भगत गोविंद का, जम्मिया पूत भगत गोविंद का, जम्मिया गुरु श्री में पातशाह अनु
सब में लिखिया तोरे का
मंगल गावो ता प्रभ पावो सोहिलड़ा जग चारे अपने कर आया थान सुहाया कारज शब्द सवारे ज्ञान महारस नितरी अंजन तिर पवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजन आया तन गुरु शिवे पातशाह
हम करे साजन आया, हम करे साजन मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना मेरे मेरे वाले मेरे मेरे वाले मेरे मेरे वाले मेरे मेरे वाले दो जहान दे वाली दो जहान दे वाली दो जहान दे वाली दो जहान दे वाली बंदी छोड़ पिता बंदी छोड़ पिता बंदी छोड़ पिता बंदी छोड़ Group, 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 group
संगत की आवाज थोड़ा होर जोर लाओ आही सचखंड आगी छेवे पातशाह दियां खुशियां लैण दा वेला है ले लो खुशियां ले लो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी प्यारेओ 20 तरीक आ रही और सारे गुरु रामदास जी के बाबा दीप सिंह जी के संगत रूपी परिवारक मैंबरों नूं पता है असी हर महीने की 20 तरीक नूं गुरद्वारा बीबी कौलां जी कौलसर साहिब श्री अमृतसर साहब जो कि दरबार साहब तो पैदल 2 मिनट का राह है बाबा अटल राय साहब के बिल्कुल नाल एक गुरद्वारा साहब बनया माँ कौलां जी का उस जगह पर हर महीने असी शुकराना समागम करते हैं। इस वारी का यह महीनावारी शुकराना समागम रात को तकरीबन 7 बजे तो लैके 9:30 बजे तक इस अस्थान पर होएगा और सारे परिवारक मैंबरों को बेनती है भावें अमृत वेले के समागम चल रहे हैं पर यह 20 तरीक के समागम में हाजरी भरन का नेम नहीं तोड़ना। जे तुसी ये नेम तोड़ोगे फिर पूरियां हाजरियां नहीं जे लगनियां अमृत वेले दियां भी यह मेरी बेनती ये नेम भी बरकरार रखना है और 20 तरीक नूं आके सारे परिवारक मैंबरों ने 6:30 बजे तक गुरु चरणों के जुड़ जाना और जो पिता जी दियां खुशियां प्राप्त करनियां और 20 तरीक का सब नूं पता है असी गुरु बाबा नानक जी ने जो 20 का लंगर शुरू किया उस नूं समर्पित करके समागम रखते हैं और जिहड़ा जिहड़ा भी प्यार नाल आके हाजरियां भरदा बापू जी उहदे घरां दे विच लंगरां दी तोट नहीं रहण देंदे उन्हों दाता ही नहीं देंदे उन्हों दाता वंडन वाला बना देंदे ने। आओ भागा वालेओ 20 तरीक दे समागम दे विच सारियां संगतां हम हुमा के पहुँचो पिता जी दियां खुशियां प्राप्त करो। ये सारा समागम साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते लाइव दिखाया जाएगा वध तों वध इस सुनेहे नूं शेयर कर दिओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी गुरु रामदास जी के बाबा दीप सिंह जी के सारे संगत रूपी परिवारक मैंबरों अज मैं वधाई देन वास्ते तुहाडे सन्मुख होया। जो बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट अड्डा गोपालपुरा बटाला रोड यूनिट नंबर 3 20 तरीक नूं जो उहदी रजिस्ट्री सी गुरु पिता जी ने कृपा की है सारी संगत ने असीस दिती जो अद्धी पेमेंट गुरु जी की कृपा दे नाल जा चुकी जो तुसीं किणका किणका देते हो क्योंकि बहुत वड्डी रकम बन जाती 25,000 गज जगह और 2,500 रुपया गज की सेवा तो अद्धी पेमेंट जिहड़ी उहदे लई असीं उन्हां कोलों 3 महीने का होर टाइम लिया। ये रजिस्ट्री जिहड़ी 20 अप्रैल नूं होनी सी अद्धी पेमेंट चली गई हुण जिहड़ी अद्धी पेमेंट है वह 20 जुलाई तक असीं उन्हां नूं देनी है और फिर उस तो बाद इस जगह की रजिस्ट्री होएगी। जड़े जड़े प्रेमियां ने बहुत सहयोग दिता है तुहानू भी और जिन्होंने अजे तक सहयोग इस भूमि दान विच हिस्सा नहीं पाया तुहानू भी मैं बेनती करदा आप जी वध तो वध जोर लायो ता जो ये रजिस्ट्री 20 जुलाई तक हो सके और तुहानू दसदिया होया मैनू खुशी महसूस हो रही है कि जो जी दया प्रवान पार्क जो महाराज जी की कृपा नाल बन रहा है बिल्कुल हुण थोड़ा जिहा कम रह गया बिल्कुल नेड़े हैं उहदे मुहूर्त दे समय दे और नाल ही जो संगत दी रहायश वास्ते सराह बन रही है उहदा कार्ज भी पूरी तेजी नाल चल रहा और बटाला रोड जिहड़ा यूनिट नंबर 3 है जिहदी रजिस्ट्री हुण 20 जुलाई नूं होएगी उत्थे भी बड़ी तेजी दे नाल सारे सेवावां दे कार्य शुरू हो चुके ने। हर पक्ष तों मैं आप जी की असीस ते बख्शीश की आस रखदा मेरी बेनती है भुल्यो ना 20 जुलाई नूं जो अद्धी पेमेंट रह गई है बटाला रोड वाली जगह की उहदी रजिस्ट्री होएगी अद्धी पेमेंट असी 20 जुलाई तक देनी है। पूरा आप जी परिवारक मैंबर मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ भी दिओ एक दूजे नूं प्रेरणा भी करो और इस भूमि दान दे विच वड्डे दान दे विच क्योंकि ये वड्डा दान हुंदा भूमि दान इस भूमि दान वड्डे दान दे विच अपना वध तों वध सहयोग भी दिओ। पूरी अकाउंट डिटेल तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते चल रही है आप जी स्क्रीनशॉट लै लो और अपनी सेवा इन अकाउंटा दे विच आप जी पा सकते हो और सेवा पाउण तों बाद आप जी सानू हेठां दित्ते नंबरां दे उत्ते जो अपना मैसेज कर देना ता जो रसीद और सत्कार तुहाडे तक भेजिया जा सके।
अपनी सेवा तुसी सानू गूगल पे पेटीएम फोन पे भी कर सकते हो 98150 99513 नंबर ते 9815089513 इस नंबर ते आप जी अपनी सेवा सानू तुसी फोन पे गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हो। फिर मैं बेनती करना भुलो ना 20 जुलाई तक पूरा जोर ला दो जिन्ना जोर ला सकते हो ता जो 113 यूनिट मैं कहना ये डबल ट्रिपल काम हो जाए और होएगा उदों ही जदों तुसी मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दोगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी गुरु रामदास जी के बाबा दीप सिंह जी के सारे परिवारक मैंबरों संगत रूपी परिवारक मैंबरों जो तुसी रोजाना जुड़ते हो दुपहरी 3 से 4 भी और राती 10 से 11 भी पीटीसी सिमरन के माध्यम राही मैं सारे परिवारक मैंबरों बेनती करांगा जो सेवावां दे कारज बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट वालों चल रहे ने सब नूं पता है किवें दाताबंदी शोर पब्लिक स्कूल चल रहा दोवें तरह की पढ़ाई बाबा दीप सिंह हैल्थ केयर चैरिटेबल हस्पताल चल रहा है पिता जी की मेहर नाल गुरु बाबा नानक जी की रसोई गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई चल रही बाबा दीप सिंह जी फ्री टिफिन सेवा जिदे राही बजुर्गों नूं जो प्रशादा दो वेले का उन्होंने घर पैक करके टिफिन दे विच पहुँचाया जाता है। इस तों इलावा बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी विधवा बीबियां नूं फ्री राशन देने की सेवा बेअंत कार चल रहे नवीं जगह की उसारी चल रही जिथे जी दया प्रवान पार्क बनना है पंछियों नूं दाणा पाउण लई खाणा पाउण लई बीमार पंछियों के इलाज का हस्पताल भी और सराम भी गुरद्वारा साहब की उसारी तीसरा यूनिट जिहड़ा बटाला रोड के उत्ते उत्थे भी उसारी जिथे स्कूल और हस्पताल बनना उत्थे भी उसारी के कार्य शुरू हो चुके हैं। मैं जिहड़ी तुहानूं बेनती करन लगा कि कई साढ़े योजे प्रेमी ने जोड़े कहते जी सानू पंथ के नाल बड़ा ही दर्द है जेड़े पंथ प्रति दर्द रखते हो ना मेरी थोड़े चरणों से बेनती जे तुम चाहते हो तो इलाके भी इदा सेवावान कार्य शुरू होे कोई जगह भावें 100 गज जगह 200 गज जगह 500 गज जगह वही जगह आप जी ट्रस्ट न वो जगह गुरु साहब जी की कृपा के नाल ट्रस्ट के नाम तुम करवानी है तो उस जगह के उत्ते सेवावां दे कार्य शुरू करना फिर ट्रस्ट की जिम्मेवारी बन जाएगी जिनी जगह होएगी उस मुताबक सेवावां शुरू हो जाएगियां छोटी जगह होएगी उत्थे गुरु बाबा नानक जी की रसोई चल सकती है कीर्तन सिखलाई चल सकती है होर कई कार्य इदां दे चल सकते हैं कंप्यूटर सिखलाई चल सकती गरीब बच्चियां दी वड्डी जगह होएगी उत्थे स्कूल हस्पताल भी बन सकता है। ये हुण तुसीं वेखणा है कल्ले गल्लां दे नाल असीं पंथ धरती ना बनीए तुहाडे कोल कोई भी जमीन है आप जी ने ट्रस्ट दे नाम करवाउणी और फिर अगों तुहाडे ट्रस्ट दी ड्यूटी है उत्थे इह सेवावां दे कार्ज शुरू करन दी क्योंकि इलाकियां दे विच साडे गुरद्वारा साहिब बहुत ने और बनने भी चाहिए ने आलीशान गुरद्वारे बनने चाहिए ने आलीशान जिथे संगतां बैठन गुरु की गोद दे विच कथा कहानियां सुणन करन तुहाडा दिल इह नहीं करदा नाल नाल जिथे गुरद्वारा साहिब बने उत्थे इहो जिहा स्कूल भी खुले जिथे बच्चे गुरमत की सिक्ख्या लैन दुनियावी सिक्ख्या लैन और ये सिक्ख्या लैन तो बाद घर घर दे विच ही गुरु घर बना दे। मेरी बेनती है भाई जे तुहाडा सचमुच दिल करदा है ना कि तुहाडे पिंड विच्चों तुहाडे शहर विच्चों नशियां दा कोड़ मिट जावे बच्चे गुरमत नाल भी जुड़न और दुनियावी पढ़ाई नाल क्योंकि ये महापुरखां दा बचन है तुसी किसे नूं एक वेले लंगर छका दोगे ना उदा पेट भरेगा तुहानू असीस देवेगा वो चलो ये भी परउपकार दे कम ने पर प्यारिओ क्यों ना होवे असी इहो जिहा सिस्टम बनाईए लंगर भी छकाईए ते प्यारिओ जिहड़ा भी ये लंगर छके उहनू इहो जिहा सिस्टम उहदा बना दईए कि आउण वाले समें दे विच मंग के रोटी ना खावे रोटी कमाउण जोगा बन जाए फिर सारी जिंदगी तुहानू असीसां देवेगा। जदों वह रोटी कमाउण जोगा बन गया अपने परिवार को पालन जोगा बन गया आओ इस मुहिम दे विच मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दिओ। एक नंबर तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते चल रहा इस नंबर दे उत्ते तुसीं संपर्क कर लेना जे तुहाडे कोल कोई जगह पई है आप जी इस नंबर दे उत्ते संपर्क करिओ साडी टीम जाएगी वह जगह देखेगी ते उस तों बाद फिर उत्थे सेवावां दे कार्ज सारे शुरू हो जाएंगे। बस भुल्यो ना वो जमीन तुसी ट्रस्ट दे नाम करवानी है उस तों बाद फिर ट्रस्ट दी सारी जिम्मेवारी बन जाएगी। इस मैसेज नूं वध तों वध शेयर करियो तां जो साडा सोहणा पंजाब नशा मुक्त पंजाब पढ़िया लिखिया पंजाब उहदी सिरजणा हो सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।